बारिश में ये रोड आपको ऐसा नजर आएगा, चाय, पकोड़ा, फ्रेंच फ्राइज, ट्राउट फिश एंजॉय कर सकते हैं। शुग्रान से सीरी पाया का रास्ता एडवेंचर ट्रैक है, लेकिन अभी माशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त मेटल हो चुकी है। ये हमारा रूम है, शुग्रान इज नाउ माय फेवरेट प्लेस। बालाकोट से आगे हम अपना सफर शुरू करते हैं टुवर्ड्स केवाई, केवाई से ऑनवर्ड्स शोग्रान। तो जाते हुए आप बहुत ही जबरदस्त सा ब्रिज क्रॉस करेंगे जो कि रिवर कुनहार आप नीचे से बड़ा मजेदार गुजरता हुआ देखेंगे। बालाकोट से जब आप निकलते हैं तो काइंडली कीप इन माइंड के बालाकोट के बाजार में हर वो चीज अवेलेबल है जो कि अगर आप कहीं भूल के आ गए कि भाई हमें कोई मेडिसिन चाहिए या कोई गर्म कपड़े हैं या एनीथिंग लाइक दैट, या फ्यूलिंग आपने करवानी है अपनी गाड़ियों में, तो काइंडली बालाकोट इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। बालाकोट से ये सारा कुछ करवा के फिर आप आगे निकलें, बल खाते हुए रोड से आप आएंगे ऊपर टुवर्ड्स दिस ग्रीन बेल्ट। आपके लेफ्ट पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देखेंगे, लेफ्ट पे आपको इतने ज़बरदस्त ग्रीन कलर के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे ग्रीन पहाड़ हैं। उसके बाद आपके रोड बहुत खूबसूरत है, ये रोड इतना खूबसूरत है और इतना मेटल्ड है। पहले ज़माने में लोग आते थे बालाकोट से ही जीपें लेनी पड़ती थी उनको, लेकिन अब रोड बहुत अच्छा हो गया है, रोड की कंडीशंस टोटली मेटल रोड और इतना खूबसूरत रास्ता है। और डिपेंड करता है कि आप जिस मौसम में आ रहे हैं, आपको यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी मिलती है, बारिश मिलती है। अगर बारिश के मौसम में आप आ रहे हैं तो बारिश में ये रोड आपको ऐसा नज़र आएगा, और अगर आप आ रहे हैं सनी वेदर में तो आपको ऐसा रोड नज़र आएगा। ठीक है, तो ये दोनों रोडों के मज़े लें आप और सीनिक ब्यूटी इंजॉय करें। और रास्ते में गुजरते हुए आपके पास बहुत से ऐसे पॉइंट आते हैं जहाँ पे बैठ के आप शारे हैं, छोटे छोटे पिकनिक पॉइंट है जहाँ पे आप रुक के पिकनिक पॉइंट इंजॉय कर सकते हैं, पानी के जो चैनल्स है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। फॉर मी आई विल बी स्टॉपिंग ओवर एट केवाई, क्योंकि वो सबसे बड़ा वाटर का चैनल है, तो मैं केवाई आपको ले कर चलता हूँ साथ, और केवाई का जो वाटर चैनल है वो आप इंजॉय कीजिए। जब आप केवाई वाटरफॉल पे आते हैं तो रोड से उतरने के बाद दो तीन रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप बैठ के चाय, पकोड़ा, फ्रेंच फ्राइज, ट्राउट फिश, कढ़ाई, दाल माश और बहुत सारी ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे बैठ के बड़े मज़े से पानी में पाँव डुबो के इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप जिस तरह हम सुबह निकले हैं बालाकोट से, तो बालाकोट से निकलने के बाद बहुत सारे रास्ते में पॉइंट्स आते हैं इसी तरह के, जिसमें छोटी सी आबशार गुजर रही है और लोग डिफरेंट आपको फूड आइटम्स दे रहे हैं, लेकिन फॉर मी दिस इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन, दिस इज़ द बेस्ट वाटरफॉल, दिस इज़ द बेस्ट आबशार जो कि केवाई में मौजूद है, केवाई में आपको मिलती है। और भाई जो रोड के साथ साथ है पानी का चैनल वो इतना खूबसूरत नहीं है, जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतनी खूबसूरती आपको मिलती जाएगी। तो सबसे ऊपर जाके बैठने का फ़ायदा यह है कि आपको पानी बहुत साफ मिलता है और यहाँ का नज़ारा, यहाँ की खूबसूरती बहुत ज़बरदस्त है। और जब आप गर्मी के मौसम में से आ रहे होते हैं इस ठंडी जगह पे, तो भाई यहाँ पे सुकून से पानी में पाँव डुबो के और इतना मज़ेदार खाना खा के तो आप ठंडे यक हो जाते हैं, जो गर्मी का एहसास है वो फौरन निकल जाता है। एंड माई सजेशन इज़ कि आप सीज़न में आ रहे हैं जिसमें आपके पास मैंगोज़ वगैरह अवेलेबल हैं, तो काइंडली थोड़े से मैंगोज़ लेकर आएँ, ठंडे पानी में डुबोएं, जब मैंगोज़ ठंडे हो जाएं तो उसको आराम से सुकून से बैठ के खाएं। सो यू विल एंजॉय योर पिकनिक एट केवाई वाटरफॉल। ये जीप है जी जो कि हम लेके जाएंगे ऊपर सीरी पाया के लिए, क्योंकि शुग्रान तक तो हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। मैं क्या नाम है यार दोस्त आपका? मुख्तियार शाह। मुख्तियार शाह, मुझे बताओ कि यहाँ से शुग्रान तक की जीप में कितने टाइम में पहुँचते हो? 30 मिनट में। 30 मिनट में पहुँच देते हो, और शुग्रान से ऊपर सीरी पाया? 45 मिनट। 45 मिनट्स। और सीरी और पाया नाम क्यों रखा गया है? सीरी पे छोटी सी झील है और साथ में गांव है, झील की वजह से उसका नाम है सीरी गांव। ओके, पाया। और पाया बेसिकली एक मिड हो गया ना, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा मैदान है, खूबसूरत
उसका नाम है पाया मेड। ओके ठीक है, और शुग्रान से सीरी पाया का रास्ता? रास्ता अच्छा है, जीप के लिए बेहतरीन है, एडवेंचर ट्रैक है। एडवेंचर ट्रैक है तो उसका मतलब लोग आए और एडवेंचर जरूर करें हैं। जो भी आए वो लाजमी सीरी पाया जाए। जब हम केवाई से निकले हैं तो थोड़ा सा आगे हम आए अराउंड 700 meters, वहाँ से राइट टर्न ऊपर जा रहा है टुवर्ड्स शुग्रान। बहुत जबरदस्त लिखा भी हुआ है कि वेलकम टू शुग्रान, आपने उस रोड को लेना है। और जो रोड में अभी कंडीशंस देख रहा हूँ तो ये काफी हद तक मेटल्ड हो चुकी है, वरना नीचे से ये रोड जो था वो जीप ट्रैक था, लेकिन अभी माशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त मेटल्ड हो चुकी है और आप इजीली शुग्रान तक आप आसानी जा सकते हैं। आधा रोड बन चुका है, आधा रोड अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बनेगा। आज हम शुग्रान ही स्टे करेंगे रात को, और शुग्रान में जो अच्छे होटल्स हैं उसका हम आपको विजिट करवाएंगे, आपको दिखाते हैं शुग्रान की खूबसूरती। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग सीरीपाया की तरफ जाएंगे, सीरीपाया आपको दिखाएंगे। ये ठंडी हवाओं के झोंके आ रहे हैं यार, क्या बात है भाई। तो वी आर हेयर इन सर्च ऑफ गुड होटल्स, गुड रेस्टोरेंट्स, जितने भी अच्छे होटल्स हैं उसको कवर करेंगे आप सबके लिए, ताकि हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकें अपने वीलॉग में कि सबसे अच्छा होटल कौन सा है, सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है जहाँ पे बैठ के आप अच्छा खाना खा सकते हैं, और यहाँ पे अच्छी जगहें घूमने फिरने के लिए कौन सी हैं। जो पहला होटल देखने जा रहे हैं हम शुग्रान में, दैट इज ग्लैड लग्जरी रिजॉर्ट। मौसम थोड़ा मज़ेदार हो गया, बाहर का व्यू आउट क्लास, रूम्स आउट क्लास, रिजॉर्ट आउट क्लास एंड लॉन आउट क्लास, क्या बात है। जिस जगह अभी हम मौजूद हैं, दिस इज लालाजार होटल शुग्रान। आपको शुग्रान की सबसे मजेदार चीज दिखाते हैं, आ जाओ। इस वक्त हम मौजूद हैं सेडल वुड्स रिजॉर्ट शुग्रान के अंदर, दिस इज रिसेप्शन एरिया। अभी काफी लेट इवनिंग होगी हम यहाँ पहुंचे, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जो हमने सर्च किया था इनका जो एम्बियंस है, इनका जो बाहर लॉन है वो हमें बहुत ज्यादा अपील कर रहा था, तो हमने यहाँ पे इनसे एक इनका कॉटेज है वो हमने बुक करवाया था। आपके स्टोर कितने कॉटेजेस हैं? फाइव कॉटेजेस हैं। तो हमारे लिए आज कौन सा रखा हुआ है? कैलेज विला। ठीक है, जबरदस्त। तो जी हम आपको जहाँ पे रात को स्टे करेंगे आज हम आपको उसका विला भी दिखाते हैं। रात को इनका बाहर आउटडोर बॉनफायर भी होता है, रात को इनका आज कोई ग्रुप इनके पास आया हुआ है उसका ये कह रहे जी हमने आउटडोर कैंडल लाइट डिनर भी अरेंज किया हुआ है, तो आज लगे हाथों तो जरा इनके अरेंजमेंट्स और मैनेजमेंट भी आपको बताते हैं। आज के लिए ये हमारा रूम है, जो दूसरे मेरे साथ लोग हैं वो नीचे रुकेंगे, मैं ज़रा ऊपर रहूँगा, क्योंकि इन इलाकों के अंदर ऊपर से ज़रा व्यू बड़ा ज़बरदस्त आता है। सुबह हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ दिस रिजॉर्ट एंड ऑफ शुग्रान। मैं तो आते साथ ही 5 मिनट गैलरी में बैठ गया, तो इतना फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं। जो होटल का व्यू है, एम्बियंस है, आउट क्लास, मतलब है कि शुग्रान इज़ नाउ माई फेवरेट प्लेस। ब्यूटी पूरे शुग्रान की
कलर जो चूज किया अनफॉर्चुनेटली वो जीप किसी और की थी। इतने खड्डे जंप, लेकिन फिर हम पहुंचे हैं सिरी। पायट ऑफ पहुंचते हैं, जीप जहां खड़ी होती है उसके बाद। टुडे बहुत सनी डे, रेनी सीजन में बहुत खूबसूरत होता है। मेटल सा मेडो बना हुआ है, वहां पे लोग क्रिकेट वगैरह भी एंजॉय करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मकड़ा पीक होटल फेरीलैंड। और ब्रेकफास्ट किया है हमने सैडोवर्ड्स में। भाई ये तीसरा मैजिकल होटल दिखा रहा हूँ इस वैली का मैं। इधर की इवनिंग्स बहुत ही प्लेजेंट और बहुत ही अच्छी है। दिस इज अ सॉसर शेप्ड वैली। आदिल भाई शरान जाते हुए कितना टाइम लगेगा?